पेंटू पढ़ाओ के क्या बनना चाहता था यार? फौज में जाना चाहता था लेकिन नहीं जा सका। क्यों जा क्यों ना सका? बस कुछ मिसाइल थे जिनकी वजह से मैं नहीं जा सका। ओह तो इसका मतलब तू फौजी बनना चाहता था और बन क्या गया? वक्त का खेल है, तब समझ से बाहर। अच्छा फिर एक बात तो बता, तू ये फौजी क्यों बनना चाहता था? फौज में ही क्यों जाना चाहता था? बस यार मेरी ख्वाहिश थी कि मैं सारी उम्र मुल्क की खिदमत करूं, मुल्क की हिफाजत करूं और जाती दफा दुनिया से मैं ना शहादत की मौत नसीब फरमा दे अल्लाह। बस ये ख्वाहिश थी। खैर ख्वाहिश थी नहीं पूरी हो सकी। हो भाई के तो ऊंचे विचार हैं। और अगर तुझे गाजी का मर्तबा मिल जाए तो, गाजी का मुकाम मिल जाए तो? यार मजाक ना कर, मेरी औकात नहीं है इस लकब तक पहुंचने। यार सच बोल रहा हूँ यार बहन, हम हजूर पाक से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह जिसे चाहे हजूर पाक के नाम की हिफाजत के लिए चुन ले। ये तो है, हम आशिक रसूल है। अल्लाह अगर मुझे इस लकब के लिए चुन ले तो मुझे दुनिया में इससे बेहतर क्या होगा? अब आशिक रसूल नहीं कहो, ऐसे कहो कि मोहब्बत रसूल, या फिर कहो कि हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। शायद उस मोहब्बत के वसीले से हमें अल्लाह ताला उनके नाम की हिफाजत के लिए। भाई यार एक ही तो बात है, आशिक रसूल या मोहब्बत रसूल, क्या फर्क? यही तो बात है ना जनाब, ये दोनों एक ही बात ही तो नहीं है ना? दोनों का मतलब यार एक ही बात है, ऐसे ना बोला कर तू। भाई तू नहीं ना मानेगा, मैं तुझे दलील देता। बेटा ऐसे तो नहीं मानूंगा, दे दलील अब। देख मेरे भाई गुस्सा नहीं करना, लहजा थोड़ा सख्त होगा। हाँ तू बोल। तुमने कभी अपनी बहन से बोला मुझे तुमसे? देख तू साजिद अपनी हद से गुजर रहा है, अपनी औकात में रह। इसी वजह से मैंने तुझे बोला था गुस्सा नहीं करना, फिर तू गुस्सा कर रहा है। तूने बात ही कुछ ऐसी की है भाई, मुझे ऐसे अल्फाज करने पे तूने मजबूर किया। तुझे पुख्ता दलील भी तो चाहिए ना? बता तूने कभी अपनी बहन से बोला कि मुझे तुझसे इश्क है? और गुस्सा नहीं करना मेरी बात यार, ये लफ्ज गैरत में नहीं आता, कभी सोचा ही नहीं तो बोला कैसे होगा? अच्छा तो कभी अपनी माँ को ऐसे बोला हो? नहीं बोला। कभी बीवी को बोला हो? नहीं। अच्छा इसका मतलब तूने अपने छोटे भाई को भी नहीं ये लफ्ज बोला कभी? नहीं कभी भी नहीं। यार ये लफ्ज गैरत में नहीं आता तो मैं क्यों बोलूंगा मेरे भाई? अच्छा जी, अब तेरी गैरत जाग रही है, और जो तू इतनी बड़ी और इतनी अजीम हस्ती के साथ ये लफ्ज इश्क लगा रहा है उसका क्या? तब तेरी गैरत सोई हुई। मतलब तूने कभी अपनी बहन को नहीं बोला कि मुझे तुझसे इश्क है, भाई को नहीं बोला, छोटे को नहीं बोला, माँ को नहीं बोला, तो तू हजूर पाक के साथ ये लफ्ज इश्क कैसे लगा सकता है? मुझे ये बता तू। लेकिन को छोड़ तू, ये देख जिन पे हमारे माँ बाप कुर्बान है तू उनके लिए लफ्ज इश्क इस्तेमाल कर रहा है, जबकि तू अपनी माँ बहन भाई बाप के साथ तो लफ्ज मोहब्बत या प्यार का लगाता है कि माँ मुझे तुझसे मोहब्बत है प्यार है, तो फिर तू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ क्यों नहीं लफ्ज मोहब्बत या प्यार लगा सकता? उनके लिए तू क्यों लफ्ज इश्क या आशिक इस्तेमाल करता है? मुझे ये बता। मेरी बात सुन तू, जब मैंने तुझे ये लफ्ज बोला आशिक रसूल, तो तेरा जहन क्या उधर वो लड़के या लड़की वाले इश्क की तरफ चला गया? नहीं, लेकिन मेरा सवाल है तुझसे ये कि तू अपनी माँ बहन बेटी के साथ ये लफ्ज इश्क क्यों नहीं लगाता? उधर की मोहब्बत और प्यार का लफ्ज लगाता है, इसके बरक्स तू किसी की बहन या बेटी के साथ ये लफ्ज इश्क लगाता है कि मुझे उस फलां की लड़की से इश्क है, मुझे उस फलां की बहन से इश्क है, उधर ये लफ्ज इश्क इस्तेमाल करता है सही, और तू अपनी माँ और बहन के नाम के साथ तू प्यार का लफ्ज मोहब्बत का लफ्ज लगाता है। यार बात तो तेरी ठीक है यार, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये लफ्ज इश्क और आशिक गैरत के जुमले में नहीं आता, बल्कि सिर्फ मोहब्बत और प्यार का लफ्ज जो है ना वो गैरत के जुमले में आता है पास। लेकिन भाई मैं आशिक रसूल ही कहूंगा, तो जो मर्जी कर ले। यार देख अल्लाह ने भी ये इश्क का लफ्ज कुरान में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि फरमाया गया है जो ईमान वाले हैं वो सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। तू मुझे दिखा कि अगर ये इश्क का लफ्ज कहीं भी कुरान में, कुरान पाक में या फिर हदीस में या किसी भी सहाबी ने कहा हो कि हम आशिक रसूल हैं, दिखा मुझे अगर ये कहीं। यार कह तो तू ठीक रहा है, वैसे ये लफ्ज मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा। तो फिर तू उस पाक हस्ती के साथ ये लफ्ज आशिक या इश्क कैसे लगा सकता है? सॉरी यार भाई, देख मैं तेरी इसलाह के लिए सिर्फ तुझे बता रहा हूँ, ना तो मैं तुझे कोई तनकीद कर रहा हूँ ना तंज कर रहा हूँ, सिर्फ इसलाह के लिए मैं तुझे ये बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। जी बिल्कुल भाई, उम्मीद है कि अब तुझे समझ आ गई होगी, अब अच्छे तरीके से आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। फिर तो यार जी भाई ठीक है यार, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।
खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।